अरे बहू बहू। हाँ जी पापा जी। बेटा एक कप चाय बना दो, बड़ा मन कर रहा चाय पीने का। पापा जी दूध नहीं है, आप चाय कल पी लेना, सारा दूध खत्म हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं कल पी लूंगा। अरे ऋतिक बेटा तू इतनी जल्दी, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अरे हाँ पापा, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है। वो ना एक ऑफिस के क्लाइंट से मिलना था जो हमारे घर के पास ही रहता है, तो ना मैंने गीत को पहले फोन करके बोल दिया था कि आज मैं खाना घर पे ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू लंच कर, मैं इतने रेस्ट करता हूँ। ठीक है पापा। आ गए आप, लेकिन आपने पापा से झूठ क्यों बोला और आपने मुझे कब फोन किया? अरे गीत, दरअसल ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और मैं पापा को नहीं बताना चाहता कि मेरी तबीयत खराब है। अगर मैं उनको बता देता तो वो परेशान हो जाते काम का। अच्छा आपकी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, मैं ना आपको पहले दूध गर्म करके दे देती हूँ, उसके बाद आप नहा लेना, फिर नहा के आपका खाना लगा दूंगी। ठीक। लो आप दूध पियो, इतने में काम निपटा लेती हूँ। ठीक है। पापा जी, पापा जी। हाँ बेटा ऋतिक। पापा आप ना फटाफट तैयार हो जाइए, हमें कोर्ट निकलना है एक बार। कोर्ट? सब खैरियत तो है ना? हाँ जी सब ठीक है, आज ना आपकी शादी है। शादी? ये कैसी बातें कर रहा तू? अरे वो जो पड़ोस की सुमन आंटी है ना, उनके हस्बैंड को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं और वो भी आपसे शादी करने के लिए तैयार है, तो हम निकलते हैं अभी फटाफट। तुझे मालूम है ना बेटा, जब तेरी माँ गुजरी थी उस टाइम तू सिर्फ 3 साल का था। मैंने उस टाइम शादी नहीं करी, जब मुझे शादी की ज़्यादा जरूरत थी, तुझे माँ की जरूरत थी। इस उम्र में मैं शादी करूँगा? सही तो कह रहे पापा, ये कौन सा पापा की शादी करने की उम्र है? और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि पापा की उम्र में शादी करवा रहे हो? पापा जी मुझे ना बुआ जी ने सब कुछ बता दिया था, माँ के गुजर जाने के बाद आपने कितनी मुश्किलों से मुझे पाल पोस के बड़ा किया और यहाँ तक कि आपने मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाया, और जब मैं बड़ा हुआ तो आपने अपनी सारी कंपनी मेरे नाम कर दी और मेरी गीत से शादी करवा दी ताकि हमारा घर अच्छा चल सके और हम दोनों का ध्यान रख सके। तो फिर सब ठीक तो चल रहा है? रख तो रही है मेरा अच्छा से ध्यान ये। हाँ हाँ रख तो रही हूँ मैं पापा के ध्यान, और वैसे भी पापा को तो मैं अपने पापा के जैसे ही मानती हूँ ना, इनकी तो बहुत केयर करती हूँ मैं। गीत मुझे पता है तुम पापा का कितनी अच्छे से केयर करती हो, जैसे पापा ने अपना फर्ज अच्छे से निभाया ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपना फर्ज अच्छे से निभाऊं। और गीत कल से ना हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम किराए के घर में रहेंगे और मैं ना अपनी कंपनी में एज एम्प्लॉय जॉब करूंगा और एज एम्प्लॉय ही सैलरी लूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम, दिमाग चल गया क्या तुम्हारा? पापा की दूसरी शादी कराएंगे, हम कहीं और जाके रहेंगे, कैसे करेंगे हम सब मैनेज? गीत मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा बेटा बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इतना तो कर पाऊंगा कि अपने पापा के लिए एक कप चाय का इंतजाम कर सकूं। एक कप चाय बना दो, बड़ा मन कर रहा चाय पीने का। पापा जी दूध नहीं है, आप चाय कल पी लेना, सारा दूध खत्म हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं कल पी लूंगा।